वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान का पाप सामने आया है। लॉकडाउन के दौरान कराची वेलफेयर ट्रस्ट ने हिंदुओं को राशन देने से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है पाकिस्तान से, जहां हिंदुओं को राशन नहीं मिल रहा है। और हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, हिंदुओं के साथ इस तरह के व्यवहार की क्या वजह? देखिए, पाकिस्तान में खासतौर पर सिंध में बहुत ज्यादा महामारी ये फैली हुई है और पाकिस्तान के 1500 मामलों में करीब 500 मामले अकेले सिंध में ही हैं। और वहां पर कुछ फाउंडेशन हैं, कुछ ट्रस्ट हैं जिन्होंने अनाज बांटने का काम गरीबों में किया, लेकिन सैलाली वेलफेयर ट्रस्ट एक ट्रस्ट है वहाँ, वो अनाज बांट रहा था और लाइन में कराची में देखा ये गया कि वो चुन चुन कर मुसलमानों को जो जितने भी राशन है वो दे रहा था, लेकिन हिंदुओं को और क्रिश्चियंस को कह रहा था कि आप लोग जाइए, ये राशन आपके लिए नहीं है। इसको लेकर बहुत ज्यादा वहाँ विरोध हुआ हिंदुओं और क्रिश्चियंस के द्वारा, और ये बताया गया कि भाई भूख जो है वो तो कभी भी कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। बाद में वही के कुछ फाउंडेशन आगे आया और खासतौर पर ईदी फाउंडेशन सामने आया और उसने फिर बाकी बाद में वहाँ के अल्पसंख्यकों को राशन बांटे। लेकिन देखिए कि ये स्थिति वहाँ है पाकिस्तान में जहाँ प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है और वहाँ धर्म के आधार पर अनाज इस महामारी के मौके पर भी बांटा जा रहा है। जी संजीव, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।